स्वागत है आपका फन फाइनेंस में। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 5 बेस्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। दोस्तों ये मेरी 5 फेवरेट क्रेडिट कार्ड की लिस्ट है। आप आपकी लिस्ट कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में शेयर कर सकता है हो। मैं जानता हूं कि आप जो एक्सपेंसेस कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी वो शायद अलग रहेगी और आपके कोई दूसरे फेवरेट क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, तो आप उसकी लिस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जानते हैं मेरे 5 क्रेडिट कार्ड की लिस्ट जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ और जिनसे मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता हूँ। तो जो सबसे फेवरेट मेरा क्रेडिट कार्ड अभी है रेकमेंड करने के लिए वो है अमेजोन का ICICI का क्रेडिट कार्ड। दोस्तों बहुत ही अच्छा कार्ड है और बहुत ही अच्छा अप्रूवल रेशो है। टीयर 1 टीयर सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये कार्ड आपको ईजिली मिल जाता है। और अगर आपका ICICI बैंक के साथ में कोई लोन चल रहा है या आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर आपका अकाउंट भी है तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कार्ड मिलने के लिए, क्योंकि अप्रूवल रेशो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस कार्ड के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। इस कार्ड को आपको अप्लाई करने के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आपको फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जब आप ये कार्ड अप्लाई करते हो और आपका कार्ड सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है तो आपको 500 का बोनस मिलता है, ज्वाइनिंग बोनस, जो कि आपके अमेजोन पे अकाउंट में आ जाता है अगर आप प्राइम मेंबर हो। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो और ये कार्ड अप्लाई करते हो और अप्रूव होता है तो आपको 400 का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों अगर आप इस कार्ड को अमेजोन पे शॉपिंग करने के लिए यूज करते हो आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है अगर आप प्राइम मेंबर हो। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हो तो ये कैशबैक आपको 3% मिलेगा। तो अगर आप अमेजोन पे रेगुलरली शॉपिंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कार्ड अप्लाई करने से पहले ही आप प्राइम मेंबरशिप खरीदे, तो आपके आपको वो 100 रुपीज का भी बेनिफिट मिल जाए। प्राइम मेंबरशिप अप्लाई करने के लिए भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। उसके अलावा दोस्तों ये कार्ड बहुत ही अच्छा है बिल पेमेंट के लिए। बिल पेमेंट पे आजकल ऑफर नहीं रहते और आपको ये कार्ड 2% का कैशबैक बिल पेमेंट पे भी देता है और रिचार्ज पे भी दे देता है, तो ये अच्छी चीज़ है। थर्ड जो बेनिफिट इस कार्ड में रहता है, आप अगर कहीं दूसरे जगह पे यूज़ कर सकते हो, अदर मर्चेंट पे यूज़ करते हो या वॉलेट पेमेंट ऐड करने के लिए यूज़ करते हो या कोई लोकल रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ आपने ये कार्ड स्वाइप करा लिया और वहाँ आप ये कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और फायदा क्या है ना दोस्तों, आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो हर महीने आपके कैशबैक में आ जाएगा अमेजोन पे में, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको रिवॉर्ड्स कैसे रिडीम करने हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये इस कार्ड के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस कार्ड में जब आप अमेजोन पे गोल्ड परचेस करते हो या कोई EMI ट्रांजेक्शन लेते हो या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो जो फ्यूल है, फ्यूल सरचार्ज आपको वेवर होगा बट उसके ऊपर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो ये जगह पे आपने ये कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, यही मैं सजेस्ट करूँगा। और आई बटन में आप इसका वीडियो डिटेल में देख सकते हो जहाँ पे मैंने सारी डिटेल शेयर करी हुई है। दोस्तों उसके अलावा जो मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है वो अमेरिकन एक्सप्रेस का मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड। दोस्तों पर्सनली ये कार्ड मेरा फेवरेट है बट मैं ये कार्ड को सेकंड नंबर पे इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग ये कार्ड यूज़ नहीं कर पाते दो रीज़न की वजह से, क्योंकि मेजरली ये अवेलेबल है टीयर 1 और मेजर टीयर 2 सिटीज़ में। सेकेंड थिंग इस कार्ड की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो इनकम डिमांड करता है आपकी 6 लाख या उसके अबव रहेगी और एमएक्स कुछ क्राइटेरिया चेक करता है उसके बारे में ही ये कार्ड अप्रूव करता है। अगर आपको ये कार्ड दोस्तों मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा होता है आपको ये कार्ड ले लेना, क्योंकि इस कार्ड में आपको हर महीने मिलते 1000 बोनस पॉइंट अगर आप 4 ट्रांजेक्शन करते हो 1000 या उसके अबव। दोस्तों 4 ट्रांजेक्शन 1000 या उसके अबव करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और जो लोग 6 लाख इनकम कर रहे हैं उनका उतना स्पेंड होता ही। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना चाहते हो या आप गैस बिल भरना चाहते हो तो आप अमेजोन पे में उसका अमाउंट ऐड कर लीजिए या पेटीएम में अमाउंट ऐड कर लीजिए और पे करने के लिए यूज़ कर लीजिए। काफ़ी सिंपल पड़ता है, आपको 4 ट्रांजेक्शन करने 1000 या उसके अबव, वो वॉलेट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डायरेक्टली पे कर रहे हो वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको 4 ट्रांजेक्शन करने आपको 1000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। दोस्तों उसके अलावा जब आप ये कार्ड अप्लाई करोगे मेरे लिंक से तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए कोई एनुअल फीस नहीं लगेगी और सेकेंड ईयर से आपको एनुअल फीस रहेगी 1500 जो भी आप वेव ऑफ करा सकते हो अगर आप कुछ अमाउंट स्पेंड कर लेते हो। मैंने आई बटन में उसका भी डिटेल वीडियो डाल दिया है जिससे आप चेक कर सकते हो कि अगर आप फीस भी पे करना पड़ रहा है, आपको फीस भी पे करना पड़ रहा है और आप ये कार्ड मिनिमम सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन यूज करके 1000 पॉइंट्स का बेनिफिट ले रहे हो फिर भी ये कार्ड आपको बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों आई बटन में आप वो वीडियो देख सकते हो और पूरी डिटेल्स मैंने शेयर करी है जिससे आपको पता चल जाएगा, बहुत ही सुपर कार्ड है। अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो और आपकी 4-5 हज़ार की मंथ की स्पेंडिंग है तो आपको ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा सेविंग अच्छे से करा के दे देगा। HDFC का ये कार्ड और HDFC का रिगालिया कार्ड दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है,
कुछ बेनिफिट इसमें है और कुछ बेनिफिट उसमें ज़्यादा है। अगर आप हायर स्पेंड करते हो तो आपके लिए रिगालिया फर्स्ट जो कार्ड है वो बेटर रहेगा। मैं आपको ये कार्ड के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ और बता दूंगा लास्ट में कि इसमें और रिगालिया फर्स्ट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जो मेरा थर्ड फेवरेट क्रेडिट कार्ड है वो HDFC का डाइनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड है। मैंने जब ये कार्ड लिया था तो इसमें स्मार्ट पे एक्टिव कराया था HDFC का, जिससे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है। और इसमें स्मार्ट पे एक्टिव कराने का दो फायदे होते हैं, एक तो आपको फीस वेवर हो जाती है, ये कार्ड मेरे लिए लाइफ टाइम फ्री है। सेकेंड चीज़, इसका फायदा ये है ना दोस्तों, जो भी मेरा बिल पे हो रहा है एक साल के लिए, उस पर मुझे 5% का कैशबैक आ जाता है। ये कैशबैक की जो कैपिंग है वो 100 रुपीज़ पर मंथ है। मतलब अगर आपका 2000 तक का बिल है तो आपको मैक्सिमम फायदा हो सकता है। अगर आपका 2000 बिल आता है तो 100 रुपीज़ फायदा होगा। अगर आपका 1000 रुपया बिल आता है तो आपको 50 रुपीज़ तक का फायदा होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपका डायरेक्टली बिल पे हो जा रहा है, ड्यू डेट मिस होने की कोई चीज़, आपको नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो ये अच्छी चीज़ होती है। और उसके अलावा अगर आप कहीं पर भी ये कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 150 रुपीज़ स्पेंड करने पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि आप या तो कन्वर्ट करा सकते हो एयर माइल्स में। 1 point = 1 air mile, जो कि बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है। दूसरा आपको ऑप्शन रहता है, कैटलॉग में उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो तो आप खरीद सकते हो, या वाउचर खरीद सकते हो क्रोमा वगैरह का। उसमें आपको कन्वर्जन मिलता है पर पॉइंट का 30-35 पैसे के आसपास आपको कन्वर्जन मिलता है, बट आपको 4 पॉइंट मिलते हैं 150 रुपीज़ के लिए। और ये पॉइंट्स अगर आप क्लब विस्तारा के माइल्स में कन्वर्ट कराते हो तो बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिल रहा है, 2.6% के आसपास आपको 100 रुपीज़ के ऊपर फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, उसके अलावा मैं ये कार्ड है ना 3-4 बार रिलायंस स्मार्ट में यूज़ कर चुका हूँ, जहाँ पे मुझे कभी 7.5%, कभी 5%, कभी 10% कैशबैक मिल गया है मेरे कार्ड पे। तो फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कि ऐसे HDFC बहुत ज़्यादा ऑफर्स लाते रहता है अलग अलग जगह पे। दोस्तों, जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मैंने 17,000 का Amazon प्राइम डे सेल चल रहा था तब लिया था, और HDFC का तब भी ऑफर चल रहा था और मुझे 1700 का डिस्काउंट मिल गया था, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया था ये कार्ड लेने पे। तो ऐसे बहुत सारे HDFC ऑफर्स लाते रहता है, तो आपके पास में HDFC का फ्री कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे ये कार्ड हमेशा ये फ़ायदा करा देता है। उसके अलावा दोस्तों, आपको ये 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्जेस देता है। मेरे लिए वो 6 लॉन्जेस डोमेस्टिक थी काफ़ी है, बट अगर आप इंटरनेशनली भी जाते हो तो 700+ इंटरनेशनल लॉन्जेस इसका यूज़ कर सकते हो, एयरपोर्ट लॉन्जेस जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है इस कार्ड के बारे में, आपको जो प्रीमियम कार्ड बोल सकते हो सस्ते भाव में, वो HDFC डाइनर्स क्लब को मैं बोल रहा हूँ। और जो मैं आपको बता रहा था HDFC रिगालिया फर्स्ट में कुछ एडिशनल बेनिफिट है, वो है माइलस्टोन बेनिफिट। HDFC रिगालिया फर्स्ट कार्ड अगर आप लेते हो तो उसमें आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आप 2 लाख रुपया स्पेंड करते हो और 6 लाख रुपीज़ का कुछ उसका थ्रेशोल्ड है, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं उतने अगर आप स्पेंड कर दिया है। वही एक एडिशनल बेनिफिट है, अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हो तो ये कार्ड अच्छा रहेगा। अगर आपको HDFC रिगालिया फर्स्ट स्मार्ट पे करा के फ्री मिल रहा है, आप चेक करा सकते हो कस्टमर केयर में एक बार, और उसके ऊपर आपको अगर फ्री करा के मिल रहा है तो आपने डेफिनेटली वो लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वीज़ा का एक आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। उसमें एयरपोर्ट लॉन्जेस आई गेस 8 लॉन्जेस है, तो काइंड ऑफ सिमिलर कार्ड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कुछ बेनिफिट इधर ज़्यादा है और माइलस्टोन के बेनिफिट उधर ज़्यादा है। तो उसके ऊपर डिपेंड अपॉन आपका जो स्पेंड है उसके अकॉर्डिंगली आप ये कार्ड ले सकते हो। और अगर आप स्पेंड बेस देख रहे हो तो उसके लिए मेरा जो 5th फेवरेट कार्ड है वो आपने लेना चाहिए, वो आगे आप देखिए उसके बारे में। दोस्तों, जो 4th फेवरेट कार्ड मेरा है वो है HSBC का प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, मैंने जब ये कार्ड लिया था मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था मैं कार्ड को इतना यूज़ करूँगा, बट ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड साबित हुआ है ऑफर्स देने में। इनिशियली इसके जो ऑफर्स थे वो भी अट्रैक्टिव थे, और पॉइंट वाइज ये कार्ड बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, बट जो ऑफर्स बीच बीच में से लाते रहता है इसके वजह से ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड साबित हुआ है। मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट इस कार्ड का ये है कि जब आप इनिशियली ये कार्ड लेते हो तो आपको कंपनी हेडफोन, ब्लूटूथ, ऐसी सारी चीज़ें एसेसरीज आपको देती है। सेकेंड बेनिफिट आपको इस कार्ड में ये रहता है कि आपको इसकी कोई एनुअल फीस नहीं है, तो आपको कोई डर नहीं है यार ये कार्ड ले लूँगा इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं, उसके हिसाब से भी मैंने ये कार्ड ले लिया था। थर्ड जो बेनिफिट इस कार्ड का मुझे मिला था वो था कि मैं जो भी स्पेंड करूंगा 90 डेज में अप टू 25,000 पे, उसमें मुझे 10% का कैशबैक मिल जाएगा। जैसे कि मैं स्पेंड करता हूँ 15,000 तो मुझे 1500 का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों, अब जो लिमिट है इसकी 2000 रुपीज़ के, मतलब अगर आप ये कार्ड लेते हो और 90 डेज में जितना भी स्पेंड करोगे
उसमें आपको अप टू मैक्सिमम 2000 रुपीस तक के कैशबैक आपको मिलेगा। जैसा कि मान लो अगर आपने अभी 30,000 का शॉपिंग किया फिर भी आपको 2000 तक का ही कैशबैक मिलेगा, जो नई रूल आया है उसके हिसाब से 2000 का मैक्सिमम कैशबैक है, बट फिर भी वो अच्छी चीज़ है। 10% का कैशबैक काफ़ी अच्छा होता है और 90 डेज में 20,000 का अगर आपका कोई शॉपिंग आ रहा है तब आप ये कार्ड आपका आता है तो काफ़ी इजीली आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। ग्रॉसरी शॉपिंग कर लो, कोई भी शॉपिंग कर लो और उस पर आपको 10% का फ़ायदा हो रहा है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। सेकेंड थिंग, इसके अलावा ये कार्ड में एक अच्छी चीज़ चलती रहती है, बुक माई शो पे आपको 1-on-1 टिकट मिलती है, बट ये ऑफ़र सिर्फ सैटरडे को वैलिड रहता है। स्विगी के ऊपर इसका ऑफ़र चलते रहता है दोस्तों। उसके अलावा अमेज़ॉन पे भी काफ़ी बार ये कार्ड डिस्काउंट लाता है। अमेज़ॉन पे अगर आप रिचार्ज करने जाते हो, मैंने 3-4 मंथ्स में इस कार्ड को रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए यूज़ किया है और 100 रुपीज़ कभी 75 रुपीज़ ये कैशबैक देता है मुझे 400 के बिल पेमेंट और रिचार्ज पे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर मैं 400 का रिचार्ज कर रहा हूँ और बिल पेमेंट कर रहा हूँ और उसमें मुझे 75 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का कैशबैक आ जाता है, जो कि 20-25% होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर्स ये कार्ड लाते रहता है। उसके अलावा अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हो तो उसके ऊपर भी आपको एसेसरीज़ मिलती है, फ्री एड ऑन कार्ड होता है और एसेसरीज़ मिल जाती है, तो ये चीज़ अच्छी होती है इस कार्ड के बारे में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो थ्रेशोल्ड की, कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, हम लोग 2-3 लाख वाला थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं कर सकते, बट 50,000 मंथली अगर थ्रेशोल्ड है और कभी कोई मंथ में हमको लैपटॉप परचेस करना है या कुछ परचेस करना है, कोई बड़ा पेमेंट आ रहा है हमारा जो हम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं वो हम करते हैं, तो इसके लिए टाइम टू टाइम वेरियस ऑफर आते रहते हैं। अभी का जो करंट ऑफर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और टाइम टू टाइम इनके वेबसाइट के ऊपर भी ये ऑफर अपडेट करते रहते हैं। आप अगर आप ये कार्ड लेते हो तो आपको ईमेल के थ्रू भी बताते रहते हैं कि कौन सा ऑफर चल रहा है। अभी जो इनका ऑफर चल रहा है 50,000 अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको जो बेनिफिट मिलता है 500 का आपको बुक माई शो का ऑफर मिलता है, आपको मतलब वाउचर्स आ जाते हैं अगर आपने कोई भी मंथ में 50,000 या उसके ऊपर स्पेंड करते हो, तो ये काफ़ी इजीली बहुत सारी बार हमारा जब बड़ा परचेज आता है, कोई हमें टिकट परचेज करनी है, ऐसा कोई चीज़ आ रहा है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इस HSBC क्रेडिट कार्ड के बारे में बेनिफिट। तो HSBC के क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपको अप्रॉक्स 4 लाख की इनकम चाहिए तो आपको ये कार्ड इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास में कोई दूसरा कार्ड है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ये कार्ड अप्रूव होने के। तो ये हो गया HSBC क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों जो मेरा 5th फेवरेट कार्ड है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड। एक ही रीज़न है मैंने इसको 5th रखा है, आपको जो इसके पूरे बेनिफिट मिलते हैं वो अगर आप साल भर में 4 लाख रुपीज स्पेंड करते हो तभी मिलते हैं, और इंडिया में जनरली लोग इतना प्रेफर नहीं करते क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करना। काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड रेशो इसका 6-7% का आपको रिवॉर्ड रेशो मिलता है, मतलब आप जो स्पेंड कर रहे हो उसके ऊपर का आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो 6-7% रहता है। अगर आपकी 6 लाख या उसके अबव आपकी इनकम है तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा, बट आपके जो एक्चुअल बेनिफिट इस कार्ड पर आपको तभी मिलेंगे जब आपकी जो स्पेंड है वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों 1 या 2 वीक में मैं इस कार्ड के बारे में डिटेल वीडियो बना के इस आई बटन में डाल दूंगा। अगर आपकी 4 लाख या उसके आसपास की स्पेंड हो तो आपके लिए कार्ड काफ़ी अच्छा साबित होता है, आपको 6-7% का आपकी सेविंग हो सकती है। दोस्तों अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो ये मेरे 5 फेवरेट क्रेडिट कार्ड है क्योंकि ये मेरे स्पेंड के अकॉर्डिंगली फिट होते हैं। आप भी आपके स्पेंड के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आपके कौन से कार्ड्स आपके लिए सूटेबल है और आपको कौन से कार्ड मिल सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कौन से कार्ड आपके लिए अच्छे हैं और आपको वो एक्चुअली मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है फिर भी आप क्रेडिट कार्ड चाहते हो तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है और आई बटन में मैं वीडियो भी डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में मुझे प्लीज बताइए कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और आपका कौन सा फेवरेट क्रेडिट कार्ड है, और आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन क्रेडिट कार्ड के बारे में पता चले। थैंक यू। जय हिंद।